हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए आर एग्जाम्पल। लास्ट वाले पॉलीनोमियल्स के वीडियो में मैंने हमारे दो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के दो मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और कंप्यूटिंग स्क्वायर वाले मेथड मैंने आपको बता दिया था। एक मेथड है जो फॉर्मूला बेस्ड मेथड है, वो सबसे इजी मेथड है क्योंकि उसमें बस वैल्यू लेनी और फॉर्मूला में प्लेस करना है। उस मेथड को हम लोग कहते हैं, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, उस मेथड को कहते हैं। तो आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसमें जैसे हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी है मतलब कि जैसे जो हमारा क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें बस हमें इस जो फॉर्मूला में अभी बताने वाले उसकी जो ये क्वेश्चन में हमारी वैल्यूज होंगी उस फॉर्मूला में प्लेस करके हमारे आंसर आ जाएगा। सबसे ईजी है। बट अब मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं पहले आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता देता हूँ। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, मतलब प्लस में भी लेना है इसको और इसको माइनस में भी लेना है, तो प्लस नीचे माइनस ये दोनों इंक्लूड कर लेता है। फिर अंडर रूट, पूरा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और होल पूरा अपॉन टू है, पूरे में अपॉन टू है। ये हमारा फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और पूरे में अपॉन में टू है। ओके, समझ गए गाइस। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो आप क्वेश्चन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको जैसे क्वेश्चन लेते हैं, चलो जैसे हम लोग ने क्वेश्चन लिया एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये हमने क्वेश्चन ले लिया। अब सबसे पहले हमें इसमें ए और बी और सी की वैल्यू पहले मैं अलग से लिख लूँ ताकि हम लोग इसको ईजी तरीके से कर लें। तो इसमें मैं आपको ए बी और सी की वैल्यू बता दे रहा हूँ। जो इसमें ए है वो तो हमारा वन है क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो वन मान लेंगे। बी हमारा फाइव है, अब और सी हमारा सिक्स है। ओके, ए हमारा वन है, बी हमारा फाइव और सी और हमारा सिक्स है। अब हम लोग इस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे। अब माइनस बी, तो मतलब माइनस बी, तो बी क्या हमारा माइनस फाइव, तो ये हो जाएगा माइनस का फाइव प्लस माइनस, अभी ऐसे ही लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब फाइव का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू ए क्या है इंटू वन और सी क्या है सिक्स इंटू सिक्स और अपॉन टू इंटू ए, तो ए क्या है हमारा इसमें वन, तो टू इंटू वन। हो गया, समझ गए। अब मैं इस साइड आपको सॉल्व करूँ, देखिएगा इस साइड हम लोग सॉल्व करते। अब यहाँ माइनस फाइव सेम, प्लस माइनस अंडर रूट में यहाँ फाइव स्क्वायर, हमारा फाइव का स्क्वायर हमारा ट्वेंटी फाइव होता है और ट्वेंटी फाइव अब फोर इंटू वन फोर होता है, फोर इंटू सिक्स हमारा ट्वेंटी फोर होता है, तो 25 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू वन टू हो जाएगा। अब देखिए 25 माइनस 24 कर देंगे तो जो हमारा 1 आ जाएगा। अब अंडर रूट में 1 को हम लोग नॉर्मल 1 भी लिख सकते हैं। अंडर रूट में 1 होगा, अगर 1 होगा अंडर रूट में तो हम लोग उसको नॉर्मल 1 भी लिख सकते हैं, मतलब अंडर रूट से निकाल भी सकते हैं क्योंकि 1 की कोई वैल्यू ऐसी होती नहीं, उसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो ये हो जाएगा माइनस फाइव। अब जो यहाँ प्लस माइनस है उसको अलग अलग लिख लेंगे, मतलब यहाँ माइनस फाइव प्लस वन अपॉन टू और इस साइड लिख लेंगे हमारा एक्स, दो हमें निकालने रहते हैं ना क्वाड्रेटिक में दो, तो इस तरीके से। अब माइनस एक प्लस इधर हो गया तो इधर हो जाएगा माइनस फाइव, अब माइनस माइनस वन अपॉन टू, बस यहाँ का साइन प्लस, एक तरफ प्लस लिख लेंगे एक तरफ माइनस, दो एक्स निकाल लेना दो, तो हमारा माइनस फाइव प्लस वन हमारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का फोर अपॉन टू और दूसरा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सिक्स अपॉन टू। अब टू वन जा टू, तो हमारा एक्स इधर एक्स आ जाएगा हमारा माइनस टू, इधर आ जाएगा एक्स हमारा माइनस का थ्री। ओके, तो अब एक हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिल जाएगा एक्स प्लस टू एक ब्रैकेट में और एक हमारा मिल जाएगा क्योंकि हमारा जैसे माइनस टू है तो जब वो इधर आ जाएगा तो माइनस से प्लस में आ जाएगा तो एक्स प्लस टू और ये माइनस थ्री तो इधर आ जाएगा प्लस थ्री हो जाएगा तो एक्स प्लस थ्री।
दो हमें मिल गए, एक मिल गया x प्लस टू और एक मिल गया x प्लस थ्री. ओके ध्यान से देख लीजिएगा, बस ये फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू प्लेस करनी है. ओके मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ गाइस. अब फ्रेंड्स हमारा एक क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू. अब इसको वही फॉर्मूले से करना है, बस इसमें आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा. मैं फॉर्मूला इधर लिख भी दे रहा हूँ ताकि देखते रहिए. तो फॉर्मूला है हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पूरा अंडर रूट में अपॉन टू ए. ओके ये हमारा x को निकालने की वैल्यू. यहाँ प्लस माइनस मतलब एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस. तो पहले x स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू हमारा क्वेश्चन है. अब हमारी a हमारा वन है, b हमारा थ्री और c टू है. अब माइनस का थ्री तो ये माइनस b मतलब माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए तो फोर इंटू वन इंटू टू. ओके अपॉन टू इंटू ए तो टू इंटू वन तो ये हो गया. अब माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री थ्री की थ्री का स्क्वायर हमारा नाइन होता है तो नाइन फोर वन जब फोर फोर टू जाए नाइन माइनस एट टू इंटू वन टू हो गया तो माइनस थ्री. अब देखिए अब फिर अंडर रूट में नाइन माइनस एट जो हमारा वन होगा. अब अंडर रूट में वन को हम लोग नॉर्मल वन भी लिख सकते तो ये हो जाएगा माइनस थ्री प्लस वन अपॉन टू और इस साइड हमारा माइनस थ्री माइनस वन अपॉन टू तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा माइनस टू अपॉन टू और इस साइड हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस फोर अपॉन टू तो एक एक्स आ जाएगा हमारा एक एक्स हमारा आ जाएगा टू माइनस वन और दूसरा एक्स हमारा आ जाएगा माइनस टू. अब माइनस वन उधर चला जाएगा को एक्स प्लस वन और माइनस टू इधर आ जाएगा तो एक्स प्लस टू हमारे दो क्वाड्रेटिक के मतलब कि दो हमारे जीरोस पता चल गए जो जो इसको फैक्टराइज कर दे बाय द मेथड ऑफ इस मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के मेथड से हमने निकाल लिया. देख लीजिए गाइस देख लीजिए. ओके समझ गए गाइस. सो फ्रेंड्स हमारे पॉलिनोमियल में जो लास्ट चीज़ है वो है अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. मतलब आज के वीडियो में तो ख़त्म नहीं कर पाएगा लेकिन जितने भी आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूलाज हैं मैं वो आज मैं आपको वो लिखवा दूंगा. मतलब जो अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के जो दो आइडेंटिटीज़ होती हैं इसमें वो होती हैं अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक होती है स्क्वायर आइडेंटिटी आइडेंटिटी और दूसरी होती है हमारी क्यूब आइडेंटिटी. दो मतलब एक होता है हमारा स्क्वायर वाला और एक होता है क्यूब जिसकी स्क्वायर में हमारी होल की पावर टू होल की पावर थ्री और होल की मतलब कि ए प्लस होल टू होती है हमारी मोस्ट पावर और क्यूब आइडेंटिटी में थ्री होती है. ओके अब इसमें स्क्वायर आइडेंटिटी में काफ़ी प्रॉपर्टीज और क्यूब आइडेंटिटीज में तो आज मैं वो आपको बताने वाला हूँ तो मैं सारी लिखूंगा आप लोग याद करते जाएगा. ओके तो लेट्स गो लिखता हूँ. सबसे पहले मैं स्क्वायर आइडेंटिटीज सारी लिखता जाऊंगा. इसमें समझाना नहीं बट मैं आपको सारे फॉर्मूलाज लिख लूंगा आप याद कर लीजिएगा. मैं लास्ट में आपको वीडियो के फोटोज भी भेज दूंगा सबकी. तो सबसे पहले जो स्क्वायर आइडेंटिटी का फॉर्मूला है वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब टू इंटू ए बी मतलब टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी याद करते जाएगा गाइस. अब जो सेकंड फॉर्मूला होता है वो होता है होल ए माइनस बी का होल स्क्वायर. अब ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ हो जाता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस प्लस टू ए बी होता है यहां हो जाता है माइनस टू ए बी. ओके समझे. अब जो थर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये होता है हमारा बराबर ए प्लस बी
और a माइनस बी. ओके, a प्लस बी एंड a माइनस बी, समझ गए गाइस, a प्लस बी और a माइनस बी. और जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स प्लस ए एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस बी. अब इस फॉर्मूले में मैं आपको बता दूं इस फॉर्मूले का है क्या मोस्टली. अब जैसे ये फॉर्मूला होगा, जैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर, अब मैं आपको बता दूं इस फॉर्मूले को मैं प्रूफ करके बता दूं, बस इस फॉर्मूले को. तो अब इसमें इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक्स को हम लोग एक पहले एक्स को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर ए को इस इक्वेशन से. तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बी प्लस एक्स बी, और फिर ए को प्लस लगा के ए इंटू एक्स ए एक्स, फिर ए इंटू बी ए बी, इस तरीके का हमारा मिल जाएगा. ओके, अब हम लोग हो इसको लिखेंगे. अब इसको हम लोग, ये हमारा फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी, बस ये फॉर्मूला है. ये इसको हम लोग ऐसे प्रूफ कर सकते हैं. नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है हमारा आ रहा है, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है ए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. अब ये कैसे करेंगे, अब ये सबसे पहले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस टू ए बी, मतलब पहले टू ए बी इन दोनों को लिखेंगे, फिर टू बी सी, फिर बी और सी को लिखेंगे प्लस टू बी सी, फिर सी और ए टू सी ए. ओके, मतलब पहले वन टू, फिर टू थ्री, फिर थ्री फोर, समझिए ऐसे, तो टू सी ए इस तरीके से. ओके, ये हो गया हमारा. अब इसी में थोड़ा उलट के आ सकता है कि ए ए प्लस बी, मतलब कि ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, माइनस सी का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हमारा, पहले तो वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ओके, अब पहले तो ए बी प्लस टू ए बी हो जाएगा, अब बी सी होगा और साइन माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो माइनस टू बी सी, अब फिर माइनस सी और ए, तो प्लस माइनस माइनस टू सी ए. ओके, समझिए. अब एक स्क्वायर में लास्ट फॉर्मूला है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो है हमारा ए ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर. अब इसका होगा हमारा पहले तो वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस टू ए बी प्लस नहीं सॉरी सॉरी प्लस माइनस टू ए बी, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस टू बी सी, फिर प्लस माइनस माइनस टू सी ए. ओके गाइस, देख लीजिए गाइस, ये सारे हमारे स्क्वायर की आइडेंटिटी के फॉर्मूलाज हैं. ओके, देख लीजिए. अब मैं आपको क्यूब की आइडेंटिटी के सारे फॉर्मूलाज बताता हूँ. अब फ्रेंड्स, मैं आपको क्यूब की आइडेंटिटी बताऊंगा. जो सबसे पहले क्यूब की आइडेंटिटी होती है वो होती है ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए नहीं सॉरी प्लस हाँ प्लस थ्री ए बी और यहाँ ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी. ओके, और सेकंड है हमारी ए माइनस बी का होल क्यूब. अब ये क्या होता है, ये होता है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, सारे साइंस माइनस में हो जाएंगे. ओके, अब थर्ड जो है वो है हमारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब. अब ये होती है ए प्लस बी, एक पहले ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. ओके, नेक्स्ट है हमारी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होती है हमारी हमारी ए ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी.
ओके और फिफ्थ मतलब फिफ्थ या जो लास्ट वो है x³ (x³, y³) + (x³, y³) + (2³, -3xyz) हमारी ये क्या होती है, इसकी क्या आइडेंटिटी, ये होती है हमारी x + y + z एक ब्रैकेट में पहले, फिर x² + y² + x² + y² + z² फिर -xy + yz - zx। ओके गाइस, ये सारे फॉर्मूलाज हैं, मैं इसको आपको कोई प्रूविंग तो नहीं है बट आपको इसको रटना पड़ेगा, तो आप एक बार रट लीजिएगा, लास्ट में फोटो दे दूंगा, काफी रट लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे अच्छे आसान फॉर्मूलाज हैं। ओके सो फ्रेंड्स, हम लोग मैं आज का वीडियो यही एंड करता हूँ। मैंने आपको आपको हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट वाला मेथड बता दिया है, हम कैसे सॉल्व करते हैं वो फॉर्मूला वाला। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख गए होंगे। आज हम लोग ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में स्क्वायर आइडेंटिटी और क्यूबिक की जो आइडेंटिटीज़ है क्यूब की वो मैंने लिखवा दी है, वो याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट मैं जो नेक्स्ट वाला पॉलीनोमियल्स का वीडियो होगा उसमें मैं सारे आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जिसमें हम लोग स्क्वायर की आइडेंटिटी की करेंगे क्यूब की आइडेंटिटी में, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। और आज के वीडियो में यही कि लाइक कर दी, चैनल को सब्सक्राइब कर दी, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इट्स ऑल ओवर एंड इट्स ऑल आउट।